गुड इवनिंग चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1। जिसमें आप देखो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम, इट इज इन क्वेश्चन 1, इट इज गिवन दैट एसी इक्वल्स टू एडी एंड एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एबी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, इक्वल मार्किंग से शो किया है। यहाँ पे वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, और बीसी एंड बीडी को क्या होगा, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, वो हमको शो करना है। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, नाउ कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के पहले उसको कंसिडर करना है ट्राइंगल्स को। तो पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं जिस ट्राइंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, अब ये दोनों भी ट्राइंगल में क्या इक्वल दिया है, पहले जो इक्वल दिया है वो देखो, इक्वल मार्किंग से क्या शो किया है, एसी इक्वल्स टू एडी, तो एसी इक्वल्स टू एडी गिवन है। देन इट इज गिवन दैट ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, ये दोनों भी एंगल इक्वल दिए हैं, सो दे आर शोन बाय इक्वल मार्किंग। सो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और थर्ड एलिमेंट है ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, ये दोनों भी ट्राइंगल में देखो ए बी कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी बाय एस ए एस, यहाँ देखो दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, तो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स। सो बाय एस ए एस दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी डी से इक्वल आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू बी डी। Whenever the triangles are congruent, उसके जितने भी बचे हुए पार्ट से आपको जो भी प्रूफ करना है वो सब सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाता है, मैक्सिमम सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाता है, ठीक है। और एक बार और ध्यान रखिए कि कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते वक्त उसके दो एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहते हैं, यू हैव टू फाइंड द थर्ड एलिमेंट, और जनरली थर्ड एलिमेंट कॉमन में रहता है या फिर वर्टिकली अपोजिट या फिर अल्टरनेट एंगल, ऐसे करके एक रहता है, वर्टिकली अपोजिट या फिर कॉमन में जनरली थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट होता है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन 2, इन क्वेश्चन 2 इट इज गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये दिया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, एंड एंगल डी ए बी, ये जो शो किया है एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल दिए, तो वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, ये जो मैंने शेड किए है वो दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इसमें देखो इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इसमें आपको दिया है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये एलिमेंट दिया है गिवन है, ये एलिमेंट भी दिया है, दो एंगल्स भी इक्वल दिए आपको, दैट इज एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है, ये भी गिवन दिया है। अभी ये दोनों भी ट्राइंगल में देखो ए बी जो साइड है वो दोनों भी ट्राइंगल में कॉमन है, ये ट्राइंगल में भी कॉमन है और ये ट्राइंगल को भी कॉमन है, सो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड, सो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी बाय एस ए एस, यहाँ पे देखो ये दो साइड है, ये दो साइड ए बी और ये इक्वल था, ये दो साइड के बीच का एंगल है, तो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी पी सी डी से इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू ए सी सी पी सी टी, एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नाउ सी क्वेश्चन थर्ड, इन क्वेश्चन थर्ड इट इज गिवन दैट ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इट इज गिवन दैट ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब परपेंडिकुलर्स मतलब ये 90 का एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी दिए हुए, दे आर इक्वल, सो वी हैव टू शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, वी हैव टू शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब क्या है, सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए ओ इक्वल्स टू ओ बी हमको दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए लिए हैं, सो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें दिया है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इच 90 दिया हुआ है गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी बी दिया हुआ है ये भी गिवन है, और थर्ड एलिमेंट ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो इसमें थर्ड एलिमेंट आता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड,
तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल एंगल साइड रूल, तो सीपीसीटी से इक्वल आ जाएगा एओ इक्वल्स टू बीओ सीपीसीटी. इफ एओ इक्वल्स टू बीओ इट मींस दैट सीडी बायसेक्ट्स एबी. ठीक है, सीडी बायसेक्ट्स एबी. थैंक यू.